देश के करीब 4 करोड़ कांवड़ श्रद्धालु इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट में ढाबों पर नाम लिखने के मामले पर उनके पक्ष में शायद फैसला आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट पर नाम लिखने के मामले पर यूपी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक को जारी रखने का फैसला बरकरार रखा। अब इस मामले पर 5 अगस्त को सुनवाई होगी, यानी तब तक के लिए जो रोक अंतरिम रोक लगी थी वो लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 22 जुलाई को रोक लगाई थी और यूपी सरकार से जवाब मांगा। आज यूपी सरकार ने इस मामले पर ऐसे 3 सबूत पेश किए जिससे इस बात का खुलासा हुआ कि कांवड़ रूट में कई ऐसे होटल और ढाबे हैं जिनका नाम सनातन से प्रेरित है लेकिन उनके मालिक मुसलमान निकले। आज आपको इन ढाबों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन यूपी सरकार इन ढाबे वाले 3 सबूतों को देखने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला आज नहीं बदला, उसकी वजह भी बताता हूं। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए और दूसरी तरफ से अभिषेक मनु सिंह, यानी योगी सरकार ने एक बड़ा काम तो यह किया कि कोई भी वकील नहीं भेज दिया। उधर से अभिषेक मनु सिंह भी थे तो योगी सरकार ने कहा कि इधर से जो बहुत अनुभवी मुकुल रोहतगी हैं उनको उतारो ताकि यूपी सरकार का पक्ष मजबूती से रखा जा सके। यह है सीएम योगी की पहचान कि अगर कोई फैसला लिया तो उस पर मजबूती से के साथ अपना पक्ष भी रख रहा है। यूपी सरकार ने अपने जवाब में आज कहा कि होटल ढाबों के नाम से धोखा खाकर कांवड़ यात्रियों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है जिससे सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा होती है। कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने के सामान से भ्रम पैदा होता है, खासकर प्याज लहसुन के इस्तेमाल को लेकर झगड़ा हो जाता था। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि केंद्रीय कानून खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत ढाबों समेत हर खाद्य विक्रेता को मालिकों का नाम लिखना होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने वाला यह अंतरिम आदेश केंद्रीय कानून के विपरीत है। इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि पिछले 60 सालों से कांवड़ यात्रा के दौरान मालिकों के नाम लिखने का कोई आदेश नहीं था, इसलिए इस साल ऐसे निर्देशों के लागू किए बिना यात्रा की परमिशन देने में कोई बुराई नहीं। पूरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाम लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक जारी रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक उत्तराखंड और मध्यप्रदेश सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर यूपी सरकार के अलावा कांवड़ तीर्थयात्रियों की तरफ से दी गई दलीलों को भी सुना। इसमें कहा गया था कि कांवड़ियों को पता चल सके कि वो कौन सा भोजन खा रहे हैं ताकि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो और यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न हो। इसके लिए जरूरी है कि भाई ढाबा या रेड़ी पटरी वालों के मालिक का नाम लिखा हो। यूपी सरकार का आदेश धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, यह सबके लिए है। इसमें आगे उदाहरण देते हुए बताया गया कि सरस्वती ढाबा, मां दुर्गा ढाबा जैसे नामों वाली दुकानें हैं जिससे लगता है कि यह शुद्ध शाकाहारी हैं। जब हम दुकान में प्रवेश करते हैं तो मालिक और कर्मचारी अलग अलग होते हैं और वहां मांसाहारी खाद्य पदार्थ परोसे जाते हैं। यह कांवड़ यात्री के रिवाज और उपयोग के खिलाफ है। इस पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कोई भी मालिक और कर्मचारी की अपनी तरफ से नाम लिख सकता है, लेकिन यह रोक किसी को ऐसा करने के लिए मजबूर करने के खिलाफ, यानी उसे अपना नाम लिखने का दबाव नहीं डाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने मुसलमानों को लेकर भी बड़ी बात कही। मुकुल रोहतगी ने कहा कि सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती, क्योंकि माहौल तो यही बनाया जा रहा है कि भाई योगी जी मुसलमानों के खिलाफ है इसलिए ऐसा कर दिया। यूपी सरकार के वकील ने बताया कि भाई सरकार दूसरे धर्मों के त्योहार पर का भी खास ख्याल रखती है, जैसे मुहर्रम और ईद के मौके पर स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है। इन दोनों त्योहारों पर सुअरों का, जो पिग्स होते हैं सुअर, उनका मूवमेंट रोक दिया जाता है जिससे मुस्लिम समुदाय के त्योहार पर किसी को परेशानी ना हो। इसी तरह से हज यात्रियों के लिए एयरपोर्ट तक में अलग व्यवस्था की जाती है, तब तो कोई नहीं कहता कि मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब विपक्ष इस पूरे मामले को राजनीति के एंगल से देख रहा है। पहले आप विपक्ष और यूपी सरकार के पक्षों को सुनिए, उसके बाद कोर्ट में पेश किए गए उन 3 सबूतों के बारे में विस्तार से बताऊंगा जिसे देखकर आप हैरान रह जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया, उन्होंने इसे विभाजन का भी गैर जरूरी भेदभाव वाला माना। अब उसके बाद भी अगर वो इंटरप्रेट कर रहे हैं तो इंटरप्रिटेशन तो वही चलेगा जो सुप्रीम कोर्ट संविधान का। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश सरकार की जो फ्री है वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट अपनी बात पे कायम है। सरकार की मंशा साफ है कि अमन चैन रहे, जो लोग उसमें कांवड़ यात्रा में शामिल हों वो सुरक्षित जाएं, कहीं विवाद ना हो, उसका मात्र यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य सरकार का नहीं।
यूपी सरकार ने इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए तीन अहम सबूत भी पेश किए, जिनके आधार पर नेम प्लेट लगवाने का फैसला किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने मुजफ्फरनगर के उन तीन ढाबों के नाम का खुलासा किया गया जिनका नाम सनातन से प्रेरित है, लेकिन इन्हें चलाने वाले इनके मालिक मुसलमान हैं। दरअसल इस मामले में असली विवाद यह है कि कांवड़ यात्रा के दौरान यात्री शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज लहसुन वाला खाना खाते हैं, लेकिन बहुत से ढाबों में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता। वो नाम देखकर ऐसे ढाबों में चले जाते हैं और बाद में विवाद खड़ा हो जाता है। आपको एक एक करके इन तीन ढाबों के बारे में बताता हूं जिसका जिक्र आज कोर्ट में हुआ। इसमें पहले ढाबे का नाम है पंडित जी वैष्णो ढाबा। इस नाम को पढ़कर एक बारगी के लिए यही लगता है कि यह किसी हिंदू का ढाबा है। इसमें हिंदुओं की देवी मां वैष्णो का नाम है। इसके अलावा पंडित शब्द भी लिखा है, इसे देखकर हर कोई यह समझेगा कि यह किसी हिंदू का ढाबा है, लेकिन इसके मालिक का नाम सनवर है। यूपी सरकार के मुताबिक एक मुसलमान है। एक और ढाबा देखिए जिसका जिक्र आज कोर्ट में हुआ, इसका नाम है राजा राम भोज फैमिली टूरिस्ट ढाबा। अब इस ढाबे के नाम को देखकर आपके मन में भी यही विचार आएगा कि यह किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति का ढाबा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ढाबे को चलाने वाले मालिक का नाम है वसीम, यानी नाम हिंदू जैसा है लेकिन इसका मालिक भी मुसलमान व्यक्ति। एक और ढाबा देखिए जिसका कोर्ट में जिक्र हुआ, इसका नाम है राजस्थानी खालसा ढाबा। जो भी इस नाम को देखेगा वो यही सोचेगा कि यह किसी हिंदू या सिख का ढाबा है, लेकिन इसके मालिक का नाम है फुरकान। हैरानी की बात यह है कि इस ढाबे पर कहीं भी इसके मालिक का नाम नहीं लिखा गया है। यह सब इसलिए हो रहा है क्या, क्योंकि सावन के दौरान ढाबों और होटल्स का बिजनेस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इस पूरे इलाके में लाखों कांवड़ यात्री खाना खाते हैं। आज हमारे रिपोर्टर प्रेरित इस ढाबे पर गए ताकि यह समझा जा सके कि फुरकान भाई ने इस होटल का नाम राजस्थानी खालसा ढाबा रखा क्यों। इस रिपोर्ट को आप भी देखिए, इसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की वो दलीलें भी बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपको हैरानी हो। कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया तो उसमें तीन रेस्टोरेंट के यानी कि तीन ढाबों का जिक्र है, और उनमें से एक ढाबा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं उस ढाबे पे मौजूद हूँ जिसका नाम राजस्थानी शुद्ध खालसा ढाबा है। एक बात बताइए कि आपका जो ये जो ढाबा है, आपने जो बोर्ड लगाया हुआ है राजस्थानी शुद्ध खालसा ढाबा, इस पे आपके मालिक का नाम नहीं है, और सरकार ने हलफनामे में इसका भी जिक्र किया है कि इसके कहीं ना कहीं जो कांवड़िए हैं वो भ्रमित होते हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये तो जो नाम टिका हुआ है राजस्थानी ढाबा जो टिका हुआ है, ये तो पहले से टिका हुआ है हमारे मालिक के, उसने ये टिका हुआ है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, और कांवड़िए भी खूब आते जाते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ पे होटल पे। तो कांवड़िए आते हैं यहाँ पे? जी हाँ, आते हैं। तो श्रावण के महीने में जिस तरह की शुद्धता को लेकर के चीजें बरती जाती है, प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो क्या उन चीजों का ख्याल रखते हैं आप? बिल्कुल ख्याल रखते हैं, बिल्कुल ये लहसुन प्याज जो भी है ये सब चीज बंद कर देते हैं। ढाबों और होटल्स के नाम में इस तरह घालमेल को देखते हुए ही यूपी सरकार ने आज कोर्ट में यह भी कहा कि सावन में करोड़ों लोग पवित्र जल लेकर नंगे पैर चलते हैं, ऐसे में खाने की वजह से उनकी धार्मिक आस्था आहत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना और यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगाए रखी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से बहुत से कांवड़ यात्रियों को थोड़ी निराशा आज हो सकती है, लेकिन अभी फाइनल फैसला नहीं आया है, अभी अंतरिम रोक है जिस पर उत्तराखंड का पक्ष आने, मध्य प्रदेश का पक्ष आने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।